तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा कि मित्सुको भागते हुए एक डेड बॉडी से भरी हुई नदी के पास पहुंच जाती है, जहां मित्सुको अपने फेस से खून को साफ करने लगती है और वहां पड़ी डेड बॉडी से अपने कपड़े बदल लेती है। अब मित्सुको उस जानलेवा हवा से बचती हुई वहां से भागकर एक स्कूल में पहुंच जाती है, जहां मित्सुको को उसकी स्कूल फ्रेंड मिलती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है, जिससे मित्सुको इतना डर जाती है कि वो भागकर स्कूल के अंदर चली जाती है। तभी मित्सुको की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर मित्सुको डरती हुई अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक तेज हवा का झोंका सभी की जान ले रहा है। मित्सुको की ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड उसे एक विंडो के पास ले जाती है और मित्सुको का हाथ उस विंडो से बाहर निकाल कर कहती है कि ये तो बस एक नॉर्मल हवा का झोंका है, जिससे मित्सुको थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। अब मित्सुको और उसकी कुछ फ्रेंड्स अपनी क्लास को बंक करने का फैसला करती है। ये सभी क्लास बंक करने के लिए जैसे ही निकल रही होती है कि तभी रास्ते में इन्हें इनकी क्लास टीचर मिलती है, लेकिन ये सभी अपनी टीचर के सामने ही अपनी क्लास को बंक करके भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद मित्सुको और उसकी फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए क्लास रूम में आकर बैठ जाती है कि तभी मित्सुको को उसकी सीट की बगल में एक पिलो पड़ा हुआ मिलता है। मित्सुको जैसे ही उस पिलो को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उनकी क्लास टीचर उन सभी को अपनी क्लास बंक करने के कारण एक मशीन गन से उड़ाकर मार देती है। दोस्तों क्या आपने भी कभी अपनी क्लास